नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खरीदी प्रभारी आरोप लगाए के सर्वेयर बिना पैसा लिए गाड़ी पास नहीं करे दें। अपने बताई दी कि हर गाड़ी में ही 2,000, 5,000 और 10,000 रुपया तक का वसूल करा था। पैसा मिला के बाद ही गाड़ी का पास दिन जात है, और अगर पैसा नहीं मिला तो गाड़ी के माल खराब है हमें बताए के ओखा वापस कर दिन जात है। ऐसे मामला सामने आवा है रीवा के पहाड़ी क्षेत्र में ही बहुती माँ, जहाँ खरीदी प्रभारी बता रहे हैं कि 13 जनवरी का ही अनुभागीय अधिकारी SDM और तहसीलदार खरीदी केंद्र के निरीक्षण करें। ओके बाद केंद्र में रखी धान के निगरानी कई के SDM कहिन के धान सुरक्षित है, एक जल्दी से ट्रांसपोर्टिंग कराई जाए। एक बाद खरीदी प्रभारी दुई गाड़ी धान लोड कराए के ट्रांसपोर्टिंग खातिर JP रीवा के वेयर हाउस में भेज दिन, जहां पर धान उतरवावे के बज माही सर्वेयर 5,000 रुपया हर गाड़ी में मांगे। देख लीजिए सर जी, आपके सामने आप फील्ड में है, अगर खराब है तो आप भी देख लीजिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप हमको तो सही है लग रही है, हम चट्टा का माल लदाए हैं सर जी। फिर क्यों वापस किए? अब वहाँ जो है तो बहुत सा मचाए हैं जो सर्वेयर है, एक महीने के लिए साहब पैसे मांगते हैं। अब कितना पैसे हम लोग दें? एक गाड़ी में कितना पैसा मांगते हैं? 500, 1,000, 5,000। कल ये गाड़ी लौटी है साहब तो 5,000 रुपए मांग रहे थे इस गाड़ी का 5,000 रुपए मांग। बुलेटिन की दूसरी खबर नईगढ़ी से है, जहां नईगढ़ी क्षेत्र में ही मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया में ही वायरल हो रहा है। अपना पंच वीडियो में देख सकी थे कि सुनसान जगह में ही 4 से 5 के संख्या में हथियार से लैस बदमाश एक युवक के साथ मारपीट कर रहा है। युवक जोने के साथ मारपीट की जाला हिबे वो बस के कंडक्टर बताए जाला हम। वहाँ उपस्थित कोनो महिला हिम्मत दिखाए के पूरे घटनाक्रम के वीडियो बनाए लेन, जो उनके अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं अब देखा कि यह हुई कि पुलिस इन लोगों पर कौन कार्रवाई करा थी। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां धान खरीदी के नाम पर 21 लाख रुपया के धांधली के सनसनीखेज मामला सामने आबा है। एवं किसान और पटवारी के ऊपर धोखाधड़ी के मामला पंजीबद्ध कीन का है। आपने बताई गई कि यह मामला कोठी थाना क्षेत्र के सहकारी समिति मर्यादित कोठी के आए, जहां किसान पटवारी के साथ मिलीभगत कई के खसरा माही वास्तविक जमीन के 157 गुना ज्यादा रकबा दिखाए के 21 लाख रुपया के धान सरकारी समिति माही बेच दी। वहीं मामला सामने आवे के बाद किसान और पटवारी का मामला में आरोपी बनावा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामला के जांच में जुटी है। उच्च अधिकारियों को संज्ञान में जब गया वहाँ से एक मैसेज आया, उस मैसेज के आधार पर चूँकि सीमांत कृषक होने की वजह से सामान्य कृषक का रकबा ज़्यादा होता है, सीमांत का कम होता है, वहाँ से जब हमको फोन के द्वारा उपपंजक महोदय के निर्देशानुसार या आपके समिति ने इतनी खरीदी किसान कर लिया आपको मालूम नहीं, मैंने कहा साहब जो पंजीयन है पटवारी भू राजस्व तहसीलदार SDM के द्वारा सत्यापित किया गया। इसके पीछे तो सरकार ही पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। और सरकार चाहे तो ये सब पे अंकुश लगा सकती है, पर सरकार को कहीं देखने का समय ही नहीं है और सरकार देखना भी नहीं चाहती है। कहीं कोई समय आता है तो वो कोविड का चलते बहाना बना के अपना पल्ला झाड़ लेती है। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है जिससे हर किसान। जी हाँ, एक कोठी थाने में एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो FIR हुई है वो समिति के उपप्रबंधक की ओर से FIR की गई है। इसमें ये प्रेमा फेसिया फैक्ट बताए गए हैं कि जो किसान हैं ब्रजेश सिंह ने लोकल पटवारी के साथ मिलके उसकी जो ज़मीन थी उसका गलत खसरा लिया और अपने को एक बड़े भूमि का स्वामी बताते हुए करीब 1100 क्विंटल धान समिति को विक्रय किए हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के साइट और प्रगतिशील प्रोजेक्ट के स्थिति के हकीकत का जाने के लाने कलेक्टर अनुराग वर्मा शुक्रवार का ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी और स्मार्ट सिटी के नगर निगम के तकनीकी अमला के साथ मैदानी स्तर में पहुंचे। कलेक्टर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के कामन के संबंध में जानकारी लेन, साथ ही प्रोजेक्ट के पूरा हो के तयसीम और पूछिन। कलेक्टर धवारी स्टेडियम, दादा सुखेन सिंह स्टेडियम, जवाहर नगर, आंगनबाड़ी केंद्र, साथ है सड़क और तालाबन के सौंदर्यीकरण के साइट मघलाई पहुंचे। कलेक्टर धवारी के आंगनबाड़ी केंद्र के औचक निरीक्षण करें, जहां वहां मौजूद बच्चन का ही चॉकलेट बांटे। और 8 ट्रांसपोर्टरन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचिगा। 8 करोड़ रुपया के कोयला जब्त भा।
चारों तरफ कोयला डंप होए से कई गामन में कोयला के परत और डस्ट फैली रही है। वहीं ग्रामीणन के शिकायत वहीं कलेक्टर राजीव रंजन मीणा 5 सदस्यीय टीम गठित करें और तत्काल छापामार कार्रवाई के कड़ा निर्देश दिए, जोने के बाद कार्रवाई की गए। ये सीधा नहीं है, क्यों बताना यार, पटवारी के अंदर बहुत कुछ आएगा आएगा ना। हाँ, रेलवे तो हम रेलवे का नहीं ले रहे हैं ना सर, ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट लिख सकता है। बाहर का पूरा डेढ़ रेक का, रेलवे के अंदर रेलवे के नहीं नहीं रेलवे के बाहर, रेलवे के बाहर कितना रहे क्या भाई, 6,000। हाँ, वो तो हमने लिख दिया। और आप अंदर कितना होगा, अंदर भी करीब उतना होगा, एक रेक का 4,000। चलो अब इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो बोले अपन उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। वो वाला आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर देखे के लाने देखत रही हमारे विंध्य के बघेली समाचार, साथ है हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी। नमस्कार।